Before watching the video, please subscribe the channel. आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं. ये है क्वेश्चन नंबर 2. क्लास 10th सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3. यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये हमसे बता रहा है कि आप इस वाली ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में m का वैल्यू निकालो. तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, इस इक्वेशन में हमने इस m का वैल्यू निकालना है. ये m का वैल्यू निकालने के लिए x और y पता होना चाहिए, तभी हम इस इक्वेशन में इस m का वैल्यू निकाल सकते हैं. ये x और y का जो वैल्यू है ये हमने इन दो इक्वेशंस में से निकालना है. तो ये क्वेश्चन है. तो आइडिया क्या है इसको सॉल्व करने के लिए, आपने इसको याद रखना, ये एग्ज़ाम में आया है, कभी कभी आया है एग्ज़ाम में. तो इसमें पहले ये दो लीनियर इक्वेशंस जो है इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है. इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद यहाँ पर एक्स और वाई निकलेगा, उस एक्स और वाई को इस इक्वेशन में डालना है, वहाँ पर एम निकलेगा. ये है इसका आइडिया सॉल्यूशन का. तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं. तो मैं इस इक्वेशन को सॉल्व हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के ज़रिए से. इसका नाम मैंने दिया इक्वेशन फर्स्ट और ये है इक्वेशन सेकंड. तो मैं यहाँ पर लिखूँगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. इक्वेशन फर्स्ट को मैं लूँगा. इक्वेशन फर्स्ट इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11. तो यहाँ पर इस इक्वेशन में से मैं x का वैल्यू निकालूंगा. ये देखिए आप, 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y. ये माइनस 3y कैसे आया, मैंने इस लेफ्ट साइड में 3y को शिफ्ट किया तो लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, तो ये बना माइनस. ये आपको पता होगा ये एक्चुअली शिफ्ट नहीं होता, ये यहाँ से भी डिवाइड हो, यहाँ से भी इसका सब्ट्रैक्ट होता है, यहाँ से भी सब्ट्रैक्ट होता है, वो मैंने इससे पहले आपको सिखाया. तो चलिए मैं यहाँ पर x का वैल्यू निकालता हूँ. x का वैल्यू निकलेगा 11 माइनस 3y डिवाइड बाय 2. ये 2, ये 2 है, ये डिवाइड में आया. तो इस वाली रिलेशन को हम यूज़ करेंगे, पुट इन इक्वेशन सेकंड. इक्वेशन सेकंड में जहाँ जहाँ एक्स का वह एक्स लिखा है वहाँ पर हम लिखेंगे 11 माइनस 3y डिवाइड बाई 2. तो मैं इक्वेशन सेकंड लिखता हूँ 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24. 2 इंटू 11 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24. ये क्यों लिखा मैंने यहाँ पर, ये x यहाँ पर x है, इस x का वैल्यू ये है, इस x की जगह पर मैंने ये वैल्यू लिखा, ये वाला यहाँ पर लिखा मैंने. तो इसके बाद आप क्या करना है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं. तो चलिए ये 2 और ये 2 कैंसल, यहाँ पर आपका बचा 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24. तो 11 माइनस, इसको हम ऐड करते हैं, माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 7y माइनस 24. 11 प्लस 24 इज इक्वल टू 7y. मैंने क्या किया, इस माइनस 7y को राइट साइड में लिया, ये प्लस बना, इस माइनस 24 को लेफ्ट में लाया, यहाँ से ये माइनस प्लस बना, तो ये 11 अपनी जगह है. ये क्यों मैंने किया, ये कैलकुलेशन है, आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो यहाँ पर. तो इसमें आपको कन्फ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पर आप इसको किसी दूसरे कैलकुलेशन मेथड के ज़रिए से भी कर सकते हो.
तो ये इजी स्टेप है, इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं। तो इनको अब ऐड करते हैं, ये बनेगा 3 5 इज इक्वल टू 7y। तो मैं यहाँ से इस y को निकालता हूँ, y बनेगा, y का वैल्यू निकलेगा 5, 7 1 7 5। तो y का वैल्यू हमने निकाला, y इज इक्वल टू 5। अब इस वैल्यू को मैं यूज करूंगा इन इक्वेशंस में से किसी एक इक्वेशन में। यहाँ पर इसके बाद आपके पास लिबर्टी है, आप फ्री हो, चाहे आप इक्वेशन फर्स्ट लो या इक्वेशन सेकंड लो। सिर्फ आपने यहाँ पर ध्यान रखना, याद रखना, यहाँ पर जब आप इक्वेशन फर्स्ट लिखते हो यहाँ पर, तो ये इक्वेशन सेकंड में डालना है, ये वैल्यू अपोजिट में। लेकिन जब आपका यहाँ पर वैल्यू निकला वाई इज इक्वल टू 5, यहाँ पर आपको कोई टेंशन नहीं, आप फ्री हो, आप किसी भी इक्वेशन में आप डाल सकते हो, इन दो में से किसी भी इक्वेशन में हम इसको डाल सकते हैं। मैं लिखूंगा पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट है हमारी 2x+3y इज इक्वल टू 11। तो यहाँ से मैं, यहाँ पर मैं जहाँ पर ये y लिखा है, y की जगह पर हम 5 लिखेंगे, 2x 3 इंटू 5, y के बदले 5, क्योंकि y इज इक्वल टू 5। 2x+15 इज इक्वल टू 11, 2x इज इक्वल टू 11-15। 15 को मैंने यहाँ से शिफ्ट किया राइट में, तो डिडक्ट करने के बाद यहाँ -15 रहा हमारा, तो ये बनेगा 2x इज इक्वल टू, इन दो को जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ से बचेगा आपका 15 को 11 कम करो, वहाँ -4 बचा। तो यहाँ से हम देख के, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आप एग्ज़ाम में ये नहीं डालना, ये एरो नहीं डालना, आप एग्ज़ाम में सीधे इसको यहाँ राइट में लिखना। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये बनेगा x इज इक्वल टू -4/2, x इज इक्वल टू 1 2, 2 2 2 -2। तो ये निकला हमारा वैल्यू, x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 5। एक्स और वाई का वैल्यू हमने चाहिए था, हमको ज़रूरत था। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन के दूसरे पार्ट पे जाएंगे। तो क्वेश्चन के दूसरे पार्ट पे क्या है, नाउ वाई इज इक्वल टू mx+3, वाई इज इक्वल टू mx+3। इस इक्वेशन में से हमने m का वैल्यू निकलना है, मैं यहाँ पर ये x और y यूज करूँगा। तो y इज इक्वल टू 5, y का वैल्यू 5, m निकालना है, x इज इक्वल टू -2+3। तो ये बनेगा 5-3 इज इक्वल टू -2m। इस 3 को मैंने यहाँ राइट से लेफ्ट में लाया, तो ये -3 बना। तो इसके बाद इन दो को माइनस करेंगे, यहाँ से बचेगा 2 इज इक्वल टू -2m। तो हमारा m निकलेगा 2/-2, 2 2 कैंसल, -1 इज इक्वल टू m, और m इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से हमारा m का वैल्यू निकला -1, तो x और y निकला, x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 5। ये था एक्सरसाइज 3.2, क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 जिसको हमने सॉल्व किया।